बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे मित्रों, सैयदुल वरा जिन्हों काजी अब्दुल दायम दायम और हरिपुर शरीफ आलिया सोदिया सीरत पाक का यह सिलसिला लैके थोड़ी खिदमत च हाजिर हाँ। असी एक बार ना गल कर रहे सी नबी पाक और रंग रूप के सौपन बारे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुगों वेखले सौपन से मंठार शिफ्तों में हदीसकारा सीरतकारा शमायले नबवी आदि ना ना दिता है। बाद आलमा इस मन भाने सरनावे ते पक्या पीढ़िया किताबा भी लिख धरिया ने ते बाजे सीरतकारा अपनिया भरमिया किताबा विचों एक तगड़ा का हिस्सा जिहड़ा इस काम से ला दिता है। असा सरनावे कानीबंद करते हैं भावें चौकिया सारिया किताबों तो लाभ चुके हैं, पर यह सारा कुछ करदे ये तीन किताबा साढ़े सराने पही। एक तो पहली तो शफाक काजी अयाज जिन्हें सने वेरवे की किताब है, दूजी किताब शमायले तिरमजी सने वेरवे दे ते मुआहब मदीना की किताब अल शमायले नबविया सने वेरवा ते जरकानी जिल्द चौथी। इस तो अग अलामा शिबली की सीरतों नबी ते चालू समय के एक खोजी कलमकार मुफ्ती मोहम्मद खां कादरी और लिखत शाहकार रबूबीयत तो भी लाभ चुकया है। गल की अल्लाह सुने जिदे कोलों काम लैना हो लेंद सवाल ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग रूप में बयानन तो अगदों असी हाँ वेखते हाँ कि जिन्हों हुसन आखते ने वो असल में है कि पर हैरानगी वाली गल तो यह भी सारे मुफक्कर अज तीकर हुसन की कोई सिक्के बंद या किले ठोकवी सिफत नहीं मिल सके। कोई आखदा हुसन वेखण वाले की अख च हुंदा है भाई, किसी की अख में किसी की शकल एडी चंगी लग जाती है भाई वह अख उस दे रूप से लोट पोट हो जाती है। जदों सगनी उ शकल किसी दूजी अख में उठी चंकी नहीं लगती। कोई दूजा होर आखदा भी रूप किसी खास जूह के वसपा पारों होंगे तो हर जूह के रूप रंग में दूजी जूह के रूप रंग नाल मेचिया नहीं जा सकता। अफरीका चौखा काले रंग का होना भी तगड़ी सिफत मिथी जाती है, जदों के होर थावां ते काले रंग नूं रूप लई एक बज जाणिया जांदा है। कोई आखदा कि रूप दा रंग नाल कोई सांगा नहीं बनता, सगो शरीरी अंगा दी सचज्जी बुंतर दा नां रूप है। जिस नाल रूप चटियाई दे ओले हुंदा है इंजी रूप काले रंग विच वी हुंदा है। गल की जिन्ने मूंह उन्नियां गल्लां, पर इह सारे जिहड़े गुण ने आम लोकां दे रूप रंग नूं मेचण लई तां हो सकदे नहीं, पर नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने रूप की तो गल ही वक्री है। जिमें आखते ने सारी खुदाई एक पासे मिरार भी माई एक पासे, नबी पाक के रूप में किते तकड़ी किसी तकड़ी नाल नहीं तोलिया जा सकता, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूप रंग के सरजनहार की अपनी चोन ने। तो सीधी गल है कि जग के सरजनहार के समय दुनिया के आखरत के सारे रूप एक खुली हुई किताब वांगर ने। जे जग का सरजनहारा उन्हां विचों एक दी चोण करे तो वह चोण बिना शक जग चोण निवेकली होएगी, तो वह सूरत सारिया सूरतों विचों उत्तम सूरत मनी जाएगी। तो उहदे नाल बर मेचण बारे कोई सोच भी नहीं सकेगा, तो ना उहदी किसी नाल मिसाल दिती जा सकेगी, तो ना ही उहनूं किसी वर्गा मिथिया जा सकेगा। कोई वह बेमिसाल ते जुगो निवेकली हस्ती इस मान सत्कार की हकदार होगी भाई वह ला शरीक रब दे रब की महबूब हस्ती मिथी जाए तो मोड़ो बासर के एडिया शाना वाला होका दे कि अला व अना हबीबुल्ला है चेते रखियो जी मैं अल्लाह का महबूब हाँ। अलामा बोसीरी और कसीदा गुरदा शरीफ में इस हकीकत इंज बयान है, मतलब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप का कोई सांझीवाल नहीं, तो उन्होंने रूप जुगो नवेकला है भी ना उन्हूं मेचिया जा सकता है तो ना वंडिया जा सकता है। ना आप ही वह हस्ती ने जो माणिया के पक्षों भी तो रूप रंगों भी सारे जग चो उत्तम ने, यानी वह अजि हस्ती ने कि जेड़े सारे जानों उत्ते ने। इस पर उ जग के सरजनहार ने उन्होंने अपना प्यारा मिथ लिया। अलामा जरकानी और पहली तुक मिसरे का वेरवा करद लिखा है भी आप सरकार हुसन के पक्षों पूरी मखलूकों निकले ने, तो उन्हों वर्गा होर कोई नहीं होना।
जग जाने वेरवा कार अलामा किरपती बाले आलमा के हवाले तो नकल करते हुए आखते हैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दा रूप रंग ते हाली दसिया ही नहीं क्यों जी वह कित देश पूरा पूरा दिस पैदा तो साड़िया अखा उन्होंने वेखे की चाल ही ना चल सकदियां। यह है भी सगवा सच है कि जिहड़ी सूरत के रंग रूप विचों रब का रूप दिसदा होवे दिस पवे तो आरफ गोलर भी उन्होंने आखण मूजब जिहड़ी सूरत विचों वह सूरत जाहर होई उहदे चलकारे नूं टक के कौन जरेगा किहड़ा ते किहदे अंदर इन्नी हिम्मत है कि उन्होंने असल रूप नूं वेखण मगरों उहदी चाल चल सके। पर फिर भी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिन्ना को रूप जगते जाहर होया उन्हूं वेखण वेले एक आलम हैरानी दे समुंदरे जा डुबिया ते आप दे दर्शनां दी झस मानण वाला आशिक आप मुहारे आखण लग पिया कि नबी मुहम्मद नालों सोहना जग दी अख ना डिठा ते किसे दी मान ने जमया ना ही शहद गुरे दी मिठा। इस ख्याल नूं हसनुल हिंदुरां होर रंगना चाढ़दे आख्या कि नबी प्यारे तेरे वर्गा ना होया ना होना ते किस दी दया मिसाल मैं इत्थे तू पासे दा सोना। छेती ही असी अल्लाह सोहणे दे महबूब दे मन ठार रंग दियां मन मन खिचवियां झाकियां ते तुहानू दर्शन करावांगे। पर पहलू एक गल की पक्की गंढ दिल विच मार लेनी चाहीदी है कोई हुसन दे दो पक्ष ने एक सबाहत मतलब चढ़दी फजर वांगू लिशकना पुशकना ते दूजा मलाहत मतलब लूणा ते सलूणा। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम उहनां दा रूप दिन चाढ़ देंदा सी ते चानण ते चमक की एक जुगो नवेकली मिसाल सी पर उस अंदर जज़ब करन ते मन बाउणी जिहड़ी मन भौणी ये थोड़ी घट सी इस पारों उन्होंने रूप ने बस सुवाणियां किसी हाथी करमोह लिया किसी जने उस अपने कलावे विच नहीं लिया इंज नहीं सी पई वह बौरा बौरा हो गया होए जदों कि नबी पाक उन्हां दा रूप चो मुखिया सी ते उहदी खिच ते मस्ती का यह हाल सी भई की जने ते की जनियां की गभरू ते की बुढ़े की बाल ते की बालड़ियां की हबशी ते की रूमी की अरबी ते की अजमी गल की सारिआं नूं आप दे हुसन ने मस्त कर दिता है ते हर कोई उन्हां दे रूप की मस्ती विच झूमदा दिसदा है। आला हजरत होरां सच ही आख्या सी कि रूप जवानी जिस दे लूण दे कारण कसमां खावे वह चो मुखिया दीवा दिल नूं साडा नबी लभावे। इसे हक सच नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां आपू इंज बयान फरमाया कि मेरे भरा यूसुफ चढ़दे सूरज वांगू सुंदर ने पर मैं मली चोखा वा मतलब जिस तरह लून पानी विच खुर जांदा है मैं इंज दिलां विच जज़ब हो जांदा वा मतलब ये कि यूसुफ होरां दा रूप चढ़दे सूरज वांगू सी पर उहदे विच जज़ब करन वाली कोई सिफत नहीं सी पर मैं निरा मली नहीं कि मेरे विच चढ़दे सूरज वाली उपी कोई सिफत ना पाई जावे सगों असी दोवें ही सबी ते मली भी हाँ पर मेरे भरा यूसुफ विच सबाहत चौखी सी ते मेरे विच मलाहत चौखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां दे इस फरमान की तर्जमानी का पूरा पूरा जिहड़ा हक है आला हजरत बरेलवी होरां दा करता है जदों उन्होंने ये शेर आख्या कि वेखन यूसुफ मिसरी नारा उंगलां वड गवावन पाक नबी की खातर अरबी धौणा आप लुहावन। सबाहत ते मलाहत विचकारे फर्क का नतारा करन मगरों ये भी समझ लेना जरूरी है भी इन्हां दोवां दीआं तसीरां वक्खो वक्ख ने। सबाहत पूरे जोर नाल अन्नेवाह दिलां ते असर पाउंदी है पर इहदा असर चोखा चिर नहीं रहिंदा जदों कि मलाहत बड़े सोहणे ते मिठे ढंग नाल दिलां दे पाताल विच उतर जांदी है। हज़रत यूसुफ दा सबी हुसन सारे जग विच अखाण दा रूप धार गया ये भी सिक्केबंद गल है कि उन्हां दा रूप रंग तो सभना तो वध कि मिस्र दे बादशाह दी सुहाणी मौत होई पर यूसुफ ज़लैखा दे सरनामे हेठ चढ़दे वल दीआं ज़बानां दे विच छपण वालीआं इश्की दास्तानां नूं एक लांभे रखदिआं बड़े दुख नाल आखणा पैंदा है कि हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम जदों उहदी कामी ललसा अगे सिर नीवां ना कीता तां उस ने अमीरां कबीरां दीआं सुहाणीआं दे कठ विच सारिआं दे सामणे ਇਹ ਹੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣੀ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀਵਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਨੀ ਮਲੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਦਨੀ ਮਲੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਸਤਾਨੇ ਕਿਸੇ ਜਣੇ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਇੰਝ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਇੰਝ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਲਾ ਜ਼ਬਾਨੋ ਆਖਣ ਅਤੇ ਭਰੇ ਮਜਮੇ ਅੰਦਰ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲੈਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵਾਪਰਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਅਸਲੋਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।